पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद शनिवार को सागर के सिविल लाइन से निकलने वाले आम आदमी पार्टी के विजय जुलूस को पुलिस द्वारा लगभग एक से डेढ़ घंटे तक रोक कर रखा गया। जुलूस निकलने की परमिशन के अभाव में पुलिस द्वारा इस जुलूस को शुरुआती स्थान पर ही रोक कर रखा गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि सागर जिले के उनके कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालने से पहले ही सभी प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमें रोका गया और यह भी कहा गया कि प्रशासन को कभी भी किसी के भी साथ एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र सभी को समान अधिकार देता है और इसलिए प्रतीक के साथ प्रशासन को समान व्यवहार ही करना चाहिए। हालांकि दस्तावेज पेश करने के बाद जुलूस वहां से रवाना हुआ, लेकिन डीजे शुरू करने के लिए बाद में भी कोई अनुमति नहीं दी गई। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं आप? पंकज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में जो जीत हुई है आपकी, उस पर से सागर जिले में एक रैली का आयोजन किया गया था आपके द्वारा, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है पुलिस द्वारा उस रैली को शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया, परमिशन को लेकर कुछ बात हो रही है? आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के कामों की राजनीति की मोहर लगाई है। इससे पूरे देश में उत्साह है, सागर में भी उत्साह है, पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं और कार्यकर्ता अपने माध्यम से, चूंकि आम आदमी पार्टी हमेशा कानून के दायरे में चलने वाली पार्टी है, हम लोग तो मानते हैं इन चीज़ों को, तो हमारे साथियों ने यहाँ सूचना भी दी थी कि हम कल रैली निकालेंगे। ये सब हमारे प्रदर्शन काम शांतिपूर्वक ही होते हैं, तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ सूचना दी है, हमारे कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, जैसा भी होता तो रैली तो निकलेगी। देखिए क्या है कि हम लोग हमें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने आती है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रुक की जाती, ये प्रशासन को भी सबको सामान्य रूप से लेकर चलना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कानून की नज़र में सब एक हैं। आप लोग रैली कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी को क्यों रोका जा रहा है, इतनी घबराहट क्यों, क्या किसी के इशारे पे प्रशासन काम कर रहा है? प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा क्या? प्रशासन भी सहयोग करेगा, हमारे कार्यकर्ता साथी जो हैं यहाँ के पदाधिकारी वो बात कर रहे हैं, आते हैं, मैं देखता हूँ क्या बात है। आप प्रशासन के ऊपर एक पक्षी होने का आरोप लगा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन को एक पक्षी नहीं होना चाहिए, प्रशासन संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, किसी नेता के इशारे पे नहीं, किसी एक पार्टी के इशारे पे नहीं, क्योंकि हर नागरिक बराबर है। तो अगर कोई काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को क्यों रोका जा रहा है? आज अगर प्रशासन द्वारा आपकी रैली को पूर्णतः रोक दिया गया, होने ही नहीं दिया गया, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी आने दीजिए, कार्यकर्ता हमारे बात करने गए, मैं देखता हूँ पहले से हम क्यों ऐसा माने कि रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।